आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने के कारण एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। आप किसी भी राज्य के आंकड़े उठा के देखिए, आप लोग अधिकतर लोगों की डेथ तो इसलिए हो जा रही है क्योंकि समय से एक तरह से आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। और आपने देखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह से फटकार भी लगाई है, फिर चाहे वो राज्य के लिए हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो। और भी आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा है कड़ी टिप्पणी की है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं। और आप लोग याद रखिए कि अभी तक आप लोग सुरक्षित हैं और आप अब खुद को और परिवार को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, तो सेफ्टी बनाए रखिए, सुरक्षा बनाए रखिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल पहुंचना का मतलब यही है कि सीधी सी बात, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा है ना, तो बेड की उपलब्धता है और ना ही आप देख रहे हैं समय से ऑक्सीजन मिल पा रही है। और आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार का कोई मेंबर जाता है, डेथ होती है, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हम लोग उस दर्द को नहीं समझ सकते। खुद सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए, वो घर में रहिए जब तक जैसी भी व्यवस्था होती है, आगे देखते हैं। ठीक है, आखिर आपकी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है और किसे पड़ती है और कब पड़ती है आखिर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप देखते हैं इस तरह का सिलेंडर, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर देखा होगा। और इसमें आप लोग देखेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या हो क्यों होती है, आखिर आवश्यकता ऑक्सीजन की। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी स्तर आपका 90% से कम हो जाता है, तब ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि 100% हम लोग ऑक्सीजन उपयोग करते हैं और 90% से कम पहुंच जाए तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और इसमें आप देखेंगे जिन लोगों को पहले से फेफड़ों की समस्या होती है उन्हें जल्दी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि अधिकतर लोगों की उन्हीं लोगों की मौत हो रही है कोरोना से जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे, यानी कि पहले से कोई बीमारी उन्हें थी। समझ रहे हैं आप लोग, वरना आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोगों को कोरोना हो रहा है। अधिकतर लोग आप देख रहे हैं कि बहुत सारे 1-1% आप देख रहे हैं कि डेथ हो रही है, 1% से भी कम लोगों की, और अधिकतर लोग उससे रिकवर कर लेते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाते पीना ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि ध्यान रखें कि जरूरत की ऑक्सीजन थेरेपी बिना डॉक्टर की सलाह या निगरानी के शुरू ना करें, इससे नुकसान भी हो सकता है। तो एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने हाथों से, एक तरह से अपनी मर्जी से ऑक्सीजन थेरेपी ना लें, किसी डॉक्टर की सलाह जरूर आप लोग ले लें। ठीक है, क्या है आखिर ऑक्सीजन सेचुरेशन? तो आप देखेंगे मनुष्य के फेफड़ों को प्रति मिनट 5 से 6 मिलीलीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपके अंदर जो फेफड़े हैं ना, इन्हें आप देखेंगे 5 से हर मिनट, यानी कि हर मिनट आप देखेंगे 5 से 6 मिलीलीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और आप देखेंगे पूरे शरीर में 250 मिलीलीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन गैस की खपत है। और आप देखेंगे अगर फेफड़े संक्रमित हो जाएं तो खपत 4 गुनी ज्यादा हो जाती है। जब आप देखेंगे आपके फेफड़े संक्रमित हो गए तो उन्हें बचाने के लिए एक तरह से आप सोचिए और ज्यादा ऑक्सीजन की खपत बढ़ेगी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि किल्लत पड़ी हुई है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ कोरोना कोरोना संक्रमण की महामारी झेल रहे देश में ऑक्सीजन की किल्लत ने चुनौतियां दुगनी कर दी हैं। और आप समझिए कि एक तरह से आपने ये भी देखा है कि कई लोगों की डेथ तो इसलिए हो जा रही है मौत कि ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पा रही है। और यानी कि हम लोगों ने, आप समझ सकते हैं कि आज एक आर्टिकल भी आपका निकला हुआ है, एडिटोरियल आपका लिखा गया है कि क्यों लापरवाही किस तरह से हम लोगों ने बरती है, तो उसे भी अगर टाइम मिलेगा तो उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक दो पहली लहर और दूसरी लहर के बीच काफी समय मिला हुआ था, अगर हम चाहते तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक कर सकते थे, ऑक्सीजन का भंडारण कर सकते थे, हम लोग हॉस्पिटलों की स्थिति यानी कि अस्पतालों की स्थिति सुधार सकते थे,
लेकिन आपने देखा है कि हम लोगों ने कोई सीख नहीं ली और उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं और कितनी भयानक बन चुकी है, आप सभी लोग देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे गंभीर संक्रमितों को ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड नहीं मिल पा रहे हैं, और तो अस्पतालों में इस गैस की किल्लत के कारण मरीजों की जान तक चली जा रही है। और कई लोगों की आप लोग न्यूज़पेपर कम से कम एक उठा के देख लिया करिएगा, कई हॉस्पिटल में अधिकतर लोगों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पा रही है। ऑक्सीजन की आप समझ सकते हैं कि आवश्यकता वो वैसी ही होती है जैसे आपने देखा होगा कि मछली अगर पानी से बाहर कर दिया जाए मछली को, तो आपने देखा होगा तड़पती हुई मर जाती है। अगर ऑक्सीजन हटा दी जाए जब उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति बनती है। आप अपना ही कोई देख लीजिए, किसी कमरे में बंद होते हैं तो आपको घुटन होने लगती है, या फिर आप लोग अपनी नाक 1 मिनट के लिए बंद करके देखिए, मत करना, समझ रहे हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि ऑक्सीजन सिचुएशन क्या है और किसी व्यक्ति व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, और कम सेचुरेशन के कारण क्या हो सकते हैं। आप देखेंगे जब हम कोशिकाओं से हवा लेते हैं तो लाखों वायु कण हमारे फेफड़ों में आते हैं और ऑक्सीजन चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। आप देख रहे हैं कि एक तरह से आप समझिए कि फेफड़े, जो आप कहते हैं ना फेफड़े, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक भाग हमारे शरीर में है और एक भाग आप देखिए कि पेड़ हैं एक तरह से आपके। आप देखते हैं कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं CO2, उसे आप देखते हैं कि एक तरह से पेड़ उपयोग करते हैं, और पेड़ वहां से आप देखते हैं कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके भेजते हैं और आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और इसीलिए कहता हूं कि पेड़ आप लोग लगाते रहा करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक समय हुआ करता था कि हम लोग जब भी स्कूल जाया करते थे या घर से निकलते थे तो पेड़ ही पेड़ दिखाई दिया करते थे। आज देखिए आप लोग, ये वही ऑक्सीजन है जो आज देख रहे हैं कि मारामारी देखने को मिल रही है। तो पेड़ लगाते रहिए और सेव रहिए। COVID-19 के कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है और इसकी वजह से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग नहीं हो पाती है, दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। और कई लोगों की कोशिकाओं में संक्रामक तत्व आ जाते हैं और फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने वाले धमनियां बाधित हो जाती हैं और इन्हीं के कारण आप देखेंगे डेथ होती है, और इससे सांस लेने में परेशानी से लेकर निमोनिया आदि की समस्या हो सकती है, और इसके बाद ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हमें, क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप देखेंगे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने पर क्या होगा, अगर फेफड़ों को नुकसान होता है तो क्या होगा, हल्के व मध्यम मामले सामान्य फेस मास्क के साथ मध्यम प्रवाह पर ऑक्सीजन दी जाती है। गंभीर मामले में बात करें तो नाक के माध्यम से ऑक्सीजन का उच्च प्रवाह किया जाता है, इसमें आप इस पिक्चर में आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है। और अति गंभीर मामले में बात करें तो आप देखते हैं कि वेंटिलेटर सपोर्ट, आप लोग सुनते भी रहते हो कि वेंटिलेटर पर है वो कोई व्यक्ति, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत कितनी पड़ी है, तो आप देखेंगे पहली लहर जो आप पहली लहर देखी थी उसमें 41.5%, और दूसरी लहर में आप देखेंगे 54.5% दूसरे लहर में जरूरत पड़ रही है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, क्योंकि क्या परिस्थिति बनी हुई है, दुनिया देख रही है और हाहाकार मची हुई है, ठीक है।